वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इलेक्ट्री सीरीज MBA 4 SEM एम्प्लॉयमेंट लॉ सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 5th का आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 30, जिसके पार्ट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जैसा कि नेम से क्लियर है कि वो फैक्ट्रीज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वर्कर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस पूरी की जाती है, वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होगा, फैक्ट्री एक्ट 1948। तो यहाँ पे हम देखें सबसे पहले कि जो हम वर्ड यूज़ में लेते हैं फैक्ट्री क्या है। तो फैक्ट्री की हम बात करेंगे तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर फैक्ट्री के बारे में बता रखा है, डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री के बारे में दे रखा है कि जो फैक्ट्री एक्ट है वो फैक्ट्री प्रीमाइजेस के अंदर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम फैक्ट्री बोलते हैं। और ये जो एक्ट है आपका, जो द फर्स्ट एक्ट इन इंडिया रिलेटिंग टू सब्जेक्ट वाज पास्ड इन 1881, कि जो फैक्ट्री एक्ट 1948 से पहले 1881 में जब यहाँ पे आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था तो उस समय फैक्ट्रीज एक्ट जो था आपका वो 1881 की बात है, वहाँ पे जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था। और उसके बाद फैक्ट्री एक्ट का जो ग्रेट ब्रिटेन ने जो पास किया था 1937 में, फैक्ट्री एक्ट की यदि हम बात करें तो इसके बाद 1976 के बाद अमेंडमेंट भी आए फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर। उन अमेंडमेंट्स को हम लास्ट यूनिट इस यूनिट के लास्ट में हम कवर करेंगे। हम शुरुआत करते हैं फैक्ट्री एक्ट की। तो फैक्ट्री एक्ट की जब हम शुरुआत करते हैं तो फैक्ट्री एक्ट के बारे में बताया गया था कि ये एक्ट जो था 1 अप्रैल 1949 से आपका एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। और यहाँ पे जो एक्ट है ये सारी फैक्ट्रीज़ पर अप्लाई होता है, चाहे वो सेंट्रल के अंडर हो फैक्ट्री, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो। ये आपको सेक्शन 116 के अंदर दे रखा है कि ये जो एक्ट है फैक्ट्री एक्ट अप्लाई टू द फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर हम डेफिनेशन की हम बात करें, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि फैक्ट्री की हम मीनिंग करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एम जो है वो फैक्ट्री की मीनिंग के बारे में बता रही है। फैक्ट्री मीन्स यानी प्रीमाइजिंग इंक्लूडिंग प्रेसिंग टेस्ट। जैसे हम देखें कि फैक्ट्री के यदि आप किसी फैक्ट्री के अंदर आपने विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि आप फैक्ट्री एरिया के अंदर एंट्री जैसे आप उस वहाँ पे जाते हैं तो फैक्ट्री प्रीमाइजिस में डायरेक्ट एंट्री नहीं करते, बाहर आपका ओपन एरिया होता है, आपने देखा होगा, तो वो फैक्ट्री कहलाता है। इसके अलावा हम देखें तो फैक्ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ वर्कर की जब बात की जाती है तो जैसा कि आपको पता है जब हम पावर का यूज़ लेते हैं तो हमें वर्कर कम रिक्वायर होते हैं, तो विद द एड ऑफ पावर यदि हम देखें तो 10 या मोर वर्कर हैं तो वो फैक्ट्री कहलाएगी। और यदि हम पावर का यूज़ नहीं लेते तो हमें वर्कर ज़्यादा चाहिए होंगे, तो विदाउट द एड ऑफ पावर जो है नंबर ऑफ वर्कर वो रहेंगे वो 20 रहेंगे, फैक्ट्री एक्ट के अंदर बताया गया है। फिर हम बात करेंगे कि वर्कर हैं क्या, वर्कर की मीनिंग है क्या। जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे एक्ट पढ़े थे, वहाँ पर हमने वर्कर्स के बारे में बात किया था, फिर भी हम बता देते हैं कि वर्कर ए पर्सन है जो एम्प्लॉयड होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है, किसी एजेंसी के थ्रू या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता है, विद या विदाउट नोइंग द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो प्रिंसिपल ओनर की परमिशन से लेबर को एम्प्लॉय नहीं करता, वो उसकी नॉलेज में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम वर्कमैन की डेफिनेशन में उनको इंक्लूड करते हैं जो विद द विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होते हैं, उनको भी इंक्लूड करते हैं। वेदर फॉर रेमुनरेशन और नॉट इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप उसको जरूरी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रखें, आप क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ मशीनरी में भी रख सकते हैं। प्रीमाइजेस की जो हम प्रीमाइजेस यूज जो हम फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ले रहे हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं। कोई भी काइंड ऑफ द वर्क है जो इंसिडेंट है, कनेक्टेड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, तो उसको हम फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन हम इसके अंदर हम आर्म फोर्स जो है उसको इंक्लूड नहीं करते, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स आर नॉट इंक्लूडेड, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर दिया हुआ है। फिर हम बात करेंगे एडल्ट की। जब हम बात करेंगे तो एडल्ट वर्कर की हम बात करते हैं, वयस्क की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि 18 ईयर्स कम से कम एज हो, तो वो एडल्ट वो पर्सन है जिसने अपनी 18 ईयर ऑफ एज क्या कंप्लीट कर लिया, उसको हम एडल्ट बोलेंगे सेक्शन 2A के अंदर। फिर हम बात करेंगे एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब है
वो पर्सन जिसने अपनी 15 ईयर एज पूरी की है लेकिन उसने 18 ईयर पूरी नहीं की है, वो आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन बी के अंदर बताया गया है एडोलसेंट, कि जिसने 15 साल की एज पूरी की है लेकिन 18 साल की एज पूरी नहीं की वो एडोलसेंट है। फिर हम बात करेंगे चाइल्ड की, चाइल्ड वो पर्सन है जिसने 15 साल की भी एज पूरी नहीं की है, उसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड बोलेंगे। तो चिल्ड्रन मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज 15 ईयर ऑफ एज अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन सी के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि जब हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, जब हम फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हमें उसकी अप्रूवल लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो ये नेसेसरी है कि हम लाइसेंस लें किसी फैक्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन ए लाइसेंस बिफोर फैक्ट्री स्टार्ट। सेक्शन 6 जो बता रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसने फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो आप प्लांट रख रहे हैं, जो आप फैक्ट्री रख रहे हैं, उसकी डिटेल आप देंगे इसको इंस्पेक्टर्स को, चीफ इंस्पेक्टर को जो स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्पेक्टिंग स्टाफ के अंदर अपॉइंट कर रखा है, जहाँ पर आपकी फैक्ट्री है वहाँ पे जिस लोकेशन पर वो पर्सन अपॉइंटेड है, उस पर्सन को आप इंफॉर्मेशन देंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, बोलो, वो विद अप्रूवल कहलाएगा, वो उसके लिए आपको अप्रूवल या लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया है कि यदि हम फैक्ट्री को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें उसकी प्रीरियर परमिशन जो है, जो आपका चीफ इंस्पेक्टर है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्पेक्टिंग स्टाफ के अंदर अपॉइंट कर रखा है, जहाँ पर हम फैक्ट्री जिस लोकेशन पर हम फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं वहाँ पे जो पर्सन आता है, चीफ इंस्पेक्टर जो आता है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो वो उसको हम अपॉइंट करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंस्पेक्टिंग स्टाफ की। जैसा कि हम बात करें इंस्पेक्टिंग स्टाफ की, हम बात करें तो जब हम फैक्ट्री एक्ट पढ़ते हैं तो पहले प्रिलिमिनरी पढ़ते हैं, उसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं फैक्ट्रीज का, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो क्या आता है आपका, इंस्पेक्टिंग स्टाफ का आता है। ऐसा हमारे सिलेबस में तो इन्होंने नहीं दिया कि कौन कौन सा चैप्टर हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर है, फिर भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उसको हमने कवर किया कि फैक्ट्री एक्ट को लाने का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था गवर्नमेंट्स का, ठीक है ना, फैक्ट्री एक्ट कब आया, उसका क्या एप्लीकेशन है फैक्ट्री एक्ट के अंदर, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी फैक्ट्रीज क्या हैं और आपका फैक्ट्री की डेफिनेशंस क्या है, वर्कर्स क्या हैं, वर्कर की डेफिनेशन क्या है, एडल्ट वर्कर कौन होते हैं, एडोलसेंस कौन होते हैं, चाइल्ड कौन होते हैं, तो इसको हम प्रिलिमिनरी के अंदर हम रख सकते हैं। ऐसे ही अप्रूवल लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री के अंदर कैसे होगा, इसको भी हम प्रिलिमिनरी चैप्टर के अंदर हम रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इंस्पेक्टिंग स्टाफ, तो जब आप फैक्ट्री एक्ट के अंदर जाके देखेंगे, लॉ के अंदर जाके देखेंगे, तो वहाँ पर्टिकुलर आपका चैप्टर है फैक्ट्रीज एक्ट का इंस्पेक्टिंग स्टाफ का, वहाँ पर बता रखा है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, देखो होता क्या है, लेबर कि जो लिस्ट है वो आपकी कंकरेंट लिस्ट है, जैसे कि स्टेट लिस्ट भी होती है, सेंट्रल लिस्ट भी होती है, जब जो कंकरेंट लिस्ट रहती है उसमें दोनों ही इन्वॉल्व रहती हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी रहती है और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहती है। तो जब हम बात करेंगे इंस्पेक्टिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, तो जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सपोज़ मान लीजिए कोई फैक्ट्री है उसका एस्टेब्लिशमेंट राजस्थान में होना है, तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट मानी जाएगी। तो जो फैक्ट्री है उसके फैक्ट्री के इंस्पेक्टिंग स्टाफ की जब हम बात करेंगे, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर्स को, चीफ इंस्पेक्टर्स को, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर को, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर को, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर को, तो जो भी टाइप्स हैं इंस्पेक्टर्स के वो क्या करेंगे, अपॉइंट होंगे और वो अपनी वर्किंग करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे किसको, जिन्होंने उसका अपॉइंटमेंट किया है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट में किया है, तो ये जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ है, ये जो इंस्पेक्टर हैं, वो रिपोर्टिंग किसको करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को करेंगे। इसके अलावा एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ए इंस्पेक्टर फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है उसको अपने डिस्ट्रिक्ट का क्या माना जाता है, बोलो, इंस्पेक्टर माना जाता है। नो पर्सन कैन एक्ट एज ए इंस्पेक्टर इफ ही इज ए बिकम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट इन ए फैक्ट्री, कि यदि कोई पर्सन है, सपोज़ मान लीजिए मैं हूँ, मेरा फैक्ट्री के अंदर कोई रिलेटिव है, उसने फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया है, ब्लड रिलेशन के अंदर मेरा कोई पर्सन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरा इंटरेस्ट है फैक्ट्री के अंदर, या फैक्ट्री के अंदर मैंने पैसा लगाया है, ओनरशिप के अंदर मेरा कुछ शेयर्स वगैरह है, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे, तो ऐसे पर्सन, नो पर्सन कैन एक्ट एज ए इंस्पेक्टर इफ़ ही इज़ और बिकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन ए फैक्ट्री, यदि कोई पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैक्ट्री से एसोसिएटेड है, डायरेक्टली मतलब है कि कोई उसका ब्लड रिलेशन का पर्सन है वो फैक्ट्री को रन कर रहा है, इनडायरेक्टली का मतलब है कि कोई ब्लड रिलेशन में तो नहीं है लेकिन फैक्ट्री के अंदर उसने कुछ पैसा लगा रखा है, तो ऐसा पर्सन वो आपका इंस्पेक्टिंग स्टाफ के अंदर एज ए इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। एनी प्रोसेस बिजनेस कैरिड ऑन देयर इन एनी पेटेंट इन मशीनरी कनेक्टेड देयर विद, ठीक है ना, तो इस
कि इस किसी प्रोसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, वो बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी पेटेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, मशीनरी से रिलेटेड हो सकता है, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैक्ट्री के इन प्रोसेसेस में, इन बिजनेसेस में, इन पेटेंट्स मशीनरीज में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जिसका इंटरेस्ट है तो वो एज ए इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। तो ये हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा है आपका फैक्ट्री एक्ट का, हमने फैक्ट्री एक्ट की शुरुआत की है। आई थिंक यहाँ पे हमने जो प्रिलिमिनरी वाला चैप्टर है, इंस्पेक्टिंग स्टाफ वाला चैप्टर है, उसको हमने कर लिया। तो मिलते हैं पार्ट सेकेंड में। थैंक्स।